अच्छा, अब हम बात कर रहे थे कि ऑडियो ट्रैक्स की बात कर रहे थे ना, तो मैं चाहता ये हूँ कि इस वक्त देखें, जब आप इस वीडियो को प्ले करेंगे ना, तो आपको, क्योंकि मैंने यहाँ पे दो ट्रैक्स इंपोर्ट कर लिए हैं, दिस इज अ डिफरेंट म्यूजिक ट्रैक, दिस इज अ डिफरेंट वन। और अगेन मैं आपको चीज बता रहा था कि देखिए, आप इस वाले ट्रैक में कुछ ऑडियो नहीं थी ना, तो आपको कोई वेव्स नजर नहीं आ रही, लेकिन इसमें दोनों में ऑडियो मौजूद है, तो आपको अच्छी खासी वेव्स नजर आ रही है। तो इनको यूज करते हुए हम बड़ी प्रोडक्टिव एडिटिंग कर सकते हैं। आपने एक चीज देखी होगी कि अक्सर ना वो म्यूजिक के साथ वीडियो का सीन चेंज हो रहा होता है, देखा होगा ना आपने डिफरेंट ब्लॉगर्स की वीडियोस में, उसे कहते हैं म्यूजिक सिंक्रोनाइज वीडियोस ना। तो आपने देखा होगा जैसे वो बीट चेंज हो रही है, तो हमारा जो सीन है वो भी चेंज हो रहा है। तो वो जो चीजें हो रही होती ना, वो इसी वेव्स को यूज करते हुए हो रही होती। जैसे आप देखिए ना इसमें, आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे आकर म्यूजिक स्लो है स्लो है, और फिर अचानक यहाँ पे एक बीट आ रही है, ठीक है, यहाँ पे कोई ड्रम होगा या कोई किसी ने क्लैप किया होगा, और फिर वो यहाँ पे आकर इस फ्रेम को यूज करते हुए, जैसे ये लाइन उसको नजर आ गई कि यहाँ पे वो हमारा जो कर्सर है वो मौजूद है, तो वो यहाँ पे आके कोई चीज को ना वो दूसरी वीडियो को ला के और सीन चेंज कर देगा, और इसको हम करेंगे, इम्प्लीमेंट भी करेंगे, ठीक है। तो अभी जस्ट मैं आपको बता रहा था कि अगर आपके पास दो ऑडियोज एट ए टाइम आ गई हैं, ठीक है, जैसे एक ऑडियो में आपके पास वॉइस ओवर है कि कोई बंदा बात कर रहा है, ब्लॉग है, जैसे लेट सपोज एक बंदा ब्लॉग जो है वो बात कर रहा है, और उसके बैकग्राउंड पे आपने जो है वो म्यूजिक भी हल्का सा चलाया हुआ है, ठीक है, उसकी वॉल्यूम आपने कम किया हुआ है। अब आप चाहते हैं कि आप ना म्यूजिक को फिलहाल आप चाह रहे हैं कि आप ना सुने, आप सिर्फ, क्योंकि उस बंदे ने कुछ गलतियां की हैं तो आप उनको करेक्ट करना चाह रहे हैं वीडियो में, इस प्रीमियर में, तो आप म्यूजिक वाले ट्रैक को क्या करेंगे, जैसे लेट सपोज हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, क्योंकि दो म्यूजिक ट्रैक हैं, तो हम नीचे ऊपर वाले ट्रैक को समझ लेते हैं कि हम ये हमारा वॉइस ओवर ट्रैक है और नीचे वाला हमारा म्यूजिक वाला ट्रैक है। तो मैं चाहता हूँ कि इस वक्त मैं एट ए टाइम सिर्फ एक ट्रैक को देखूं या सुनूं, तो मैं नीचे वाले ट्रैक को म्यूट कर दूंगा। आप इस ऊपर कर्सर लेकर आएंगे तो वैसे भी नीचे शो हो रहा है कि म्यूट ट्रैक, ठीक है। तो मैंने जब इसको ट्रैक को म्यूट कर दिया, तो आप देखेंगे आपको सिंपल एक ही जो है वो म्यूजिक सुनाई देगा। आपको ऑडियो आ रही है ना, मुझे कोई जो है वो कंफर्म कर दे। ऑडियो नहीं आई, मैं कुछ करता हूँ इसका, एक मिनट। आई थिंक अब आपको ऑडियो आनी चाहिए, ठीक है, देखिए। अब आप देखें कि आपको ना ये ऑडियो इस लेयर की जो है ना, इस वाली लेयर की, इस लेयर की आपको सुनाई दे रहा है, क्योंकि नीचे वाला म्यूट है। अब मैं इस वाले को म्यूट कर देता हूँ और इस वाले को अनम्यूट करके अब देखें आप। ठीक है, तो ये बड़ा आपको हेल्पफुल रहेगा जब आप मल्टी लेयर्स वीडियो एडिट कर रहे होंगे, और हम जब अपना प्रोजेक्ट करेंगे उसमें भी हम इन चीजों को यूज करेंगे। जाहिर बात है कोई भी वीडियो है वो उसमें काफी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, पीछे साउंड्स, आप कुछ कुछ जो आपने मीम्स देखे होंगे अक्सर, उसमें उन्होंने ना खास किसी लोकेशन पे कोई साउंड ऐड की होती है ना, तो वो इसी तरह ऐड करते हैं कि वो उस लोकेशन पे जाते हैं, लेट्स सपोज जैसे यहाँ पे आकर उस चाहता है कि वो कोई स्पेशल साउंड ऐड करे, कोई बॉम्ब ब्लास्ट की वो साउंड ऐड करना चाहता है, तो वो डाउनलोड करेगा यूट्यूब से या कहीं से वो साउंड डाउनलोड करेगा, और वो यहाँ पे लाके इस मोमेंट पे वो पेस्ट कर देगा इस वाली लेयर में, ऊपर वाली लेयर को वो नहीं छेड़ेगा। तो दिस इज कॉल्ड मल्टी लेयर वीडियो एडिटिंग ना, और कोई भी वीडियो जो है वो एडिट जब हो रही होती प्रीमियर में, तो वो सिंगल लेयर में नहीं हो रही होती, उसके ऊपर काफी लेयर्स होती है, टेक्स्ट ऐड होते हैं उसमें, उसमें जो है वो लोगोज ऐड होती हैं और इस तरह की चीजें उसमें ऐड होती है, ठीक है। तो हमने देख लिया कि इन ऑप्शंस को कैसे यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब आप ये जो दो ऑप्शंस है ना, अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि प्रीमियर के अंदर ही रहते हुए
आप कोई चीज रिकॉर्ड करें, ठीक है? अब लेट्स सपोज चाहते हैं कि यहां से लेकर मैं तो आपको म्यूट कर देता हूँ। अच्छा, यहां से लेकर यहां तक का जो पार्ट है, यानी कि ये वाली वीडियो जब शुरू हो रही है और ये जो एंड हो रही है, तो आप चाहते हैं कि इसके दौरान आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, लाइक आप कोई वॉइस ओवर ऐड करना चाह रहे हैं टाइम ऑफ एडिटिंग, तो आप इजीली यहां से जो है वो ना इसको क्लिक करके रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैंने आज तक कभी इसको यूज नहीं किया, क्योंकि जब आप यहाँ से डायरेक्ट रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो उसकी क्वालिटी बहुत लो होगी, और ये वो लोग करते हैं जिनके पास बड़ा प्रोफेशनल सेटअप होता है। जैसे आपने देखा होगा कुछ यूट्यूबर्स को, जैसे लोग पॉडकास्ट कर रहे होते हैं या जिनके पास प्रोफेशनल माइक्स होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं लैपटॉप से, तो वो लोग इन ऑप्शंस को यूज करते हैं, एडिटर्स जो है वो इनको यूज नहीं करते, ठीक है? और मैंने भी आज तक यूज नहीं किया, अगर अपने 3 सालों में तो मेरे ख्याल से शायद आगे भी यूज नहीं होंगे, अनलेस के मैं कोई बहुत बड़ा प्रोफेशनल स्टूडियो अपने पास रखूं और उसको फिर टूल्स को और माइक्स को इसमें ऐड कर लूं, ठीक है? तो जो हमारे काम के टूल्स हैं वो आपको ने बता दी कि ये टूल्स हम यूज कर रहे होंगे। तो ये ट्रैक्स मैंने आपको बता दिए कि ट्रैक्स क्या होते हैं और ऑडियो ट्रैक्स क्या होते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि मैं तमाम जो हमारा ये इसको मैं सिंप्लीफाई करने के लिए चीजें जो रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है? अब आप देखें कि लेट्स सपोज पहले मेरे पास एक ये सिंपल वीडियो एक मौजूद थी ना। मैं जाता हूँ अपने वीडियोस के ऑप्शन में और मैं चाहता हूँ कि ये वाली वीडियो ना मैं यहाँ पे ला रहा हूँ। अब देखें आप, मैंने आपको पहले दिन भी ये बात बताई थी कि जब हम इस वीडियो को इसके करीब ला रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली इसके साथ जुड़ रही है, देखें मैग्नेट की तरह ना अटैच हो रही है। ये क्यों हो रही है? क्योंकि हमने यहाँ पे देखें ये जो ऑप्शन नजर आ रहा है ना मैग्नेट का, ये ऑन है इस वक्त, हमने इसको ऑन किया हुआ है। जब ऑफ कर देंगे ना तो ये देखें अब ये जुड़ेगी नहीं, देखें वो इसके ऊपर जा रही है इजीली ना। तो आपने हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपने इसका मैग्नेट वाला ऑप्शन जो है ना इसको आपने ऑन रखना है, क्योंकि इसका नुकसान ये होगा, ये ऑन नहीं है ना, तो आप समझेंगे लेट्स सपोज यहाँ पे लाके आपने छोड़ दिया तो आप समझेंगे कि शायद ये वीडियो मेरे पास इसके साथ जुड़ गई है, लेकिन जब आप इसको खोलेंगे ना, देखिए इसके साथ ये इसके साथ देखें इसमें कुछ ना कुछ ऑप्शन जो है, कुछ ना कुछ पार्ट जो है वो रह गया है। फिर आप उसको दोबारा जोड़ेंगे, फिर भी आपको पता नहीं होगा कि वो जुड़ी है इसके साथ या नहीं जुड़ी। तो आपने स्नैप का ऑप्शन हमेशा ऑन रखना है, ठीक है? ताकि वो वीडियोस एक दूसरे के साथ बिल्कुल फ्रॉम हेड टू हेड जो है वो आपस में इनके दरमियान कोई गैप ना हो, वरना आपको फिर इश्यूज आएंगे। तो इसको आपने हमेशा ऑन रखना है, ठीक है? अभी मैं आपने देखा होगा कि मैं बड़ी इजीली ना इनको जूम इन कर रहा हूँ, जूम आउट कर रहा हूँ, तो इनके बारे में बात कर लेते हैं। आपको वैसे दो नजर तो आ रहे होंगे ड्रॉअर्स, जैसे अब ये एक आपके पास है ना, इसको इससे तो आप टाइम लाइन आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे अगर मेरे पास डिफरेंट वीडियोज हैं ना, मैं एक और वीडियो भी आप इम्पोर्ट कर लेता हूँ, ये वीडियो इम्पोर्ट कर ली, तो मैंने 4 वीडियोज इम्पोर्ट की हुई ना एक एक ही लेयर पे। अब ये कर सकते हैं आपके, अगर आप चाहते हैं कि इसको आप टाइम लाइन को आगे पीछे देखना चाह रहे हैं तो आप इजीली इस पे जो है वो इसको मूव करके आप जो है ना वो इसको आगे पीछे कर सकते हैं। एक और तरीका क्या है कि आप टाइम लाइन, ये जो आपके पास ऑप्शन है ना, सॉरी ये जो एरिया है, इस पे लाकर अपने जो आपका स्क्रॉल व्हील है, अगर आप माउस यूज कर रहे हैं ना, तो आप इसको घुमाएंगे तो ये आगे पीछे टाइमलाइन हो रही है। अब आप चाहते हैं कि जैसे अब आपने देखा होगा कि मैं जूम इन कर रहा हूं इस टाइमलाइन को ऊपर नीचे करने के लिए, आप यहां से और इसको यहां से, आप चाह रहे हैं कि यार ये जो मेरे पास वीडियो दिख रही है ना, ये थोड़ा मुझे जूम इन होके फ्रेम बाय फ्रेम दिखे। अभी आप देखें कि ये यहां से लेकर यहां तक जो है ना वो 4 सेकंड की जो वीडियो है वो शो हो रही है आपको इतने से एरिया में। आप चाह रहे हैं कि इसको जूम इन करूं, मैं थोड़ी एडिटिंग करना चाह रहा हूं, मैं फ्रेम बाय फ्रेम देखना चाह रहा हूँ इसको मैं, तो क्या करेंगे आप कि ये वाला जो आपका ऑप्शन है ना, ये वैसे तो हम इसको यहाँ से पकड़ के मूव कर रहे थे, इस सर्कल पे लेके जाएंगे, इसको जब आप बढ़ा रहे हैं तो वो वीडियो आपका जो टाइम लाइन है पूरी, वो सीक्वेंस जो है वो आपका जूम आउट हो रहा है, छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। लेकिन जैसे ही आप इसको छोटा करते जाएंगे तो देखें वो आपके पास वीडियो जूम, वीडियो की जो टाइम लाइन है, जो ट्रैक है, वो जूम इन होता जा रहा है। अब आप देखें यहाँ पे कि जो हमारे टाइम कोड है उस पे डिवीजन बढ़ गई है, इसको मजीद छोटा कर दें,
जितना छोटा कर सकते हैं, मैंने इसको जो है वो छोटे से छोटा कर दिया। अब आप देखें कि आपके सामने ना फ्रेम बाय फ्रेम बात आ गई है। फ्रेम बाय फ्रेम क्या है कि अब वो एक एक पिक्चर्स पे आ गया है कि एक सेकंड में जो उसने जितनी पिक्चर्स खींची थी ना, वो इस लेवल तक जूम इन पे आप जा सकते हैं। लाइक कि किसी एक फ्रेम को सिर्फ आप रिमूव करना चाह रहे हैं। लेट सपोज कि किसी एक फ्रेम पे ग्लिच आ गया, कोई आपके कैमरा में कोई इशू था, तो आप एक फ्रेम को भी रिमूव कर सकते हैं। इस लेवल तक इसमें जो है वो आपके पास जो है वो आजादी है। इसीलिए लोग प्रीमियर यूज करते हैं, क्योंकि आपके ये ऑप्शन आप बाकी तमाम सॉफ्टवेयर पे नहीं देख सकते। ये फ्रेम बाय फ्रेम आ गए। अब देखें यहाँ पे मेरे कर्सर को स्टार्ट में है ना, तो मैं इस कर्सर को आगे लाना चाह रहा हूँ। एक तो तरीका यह है कि मैं इसको यहाँ से हेड से पकड़ूं और इसको ड्रैग कर लूँ। एक और तरीका क्या है कि आपने कीबोर्ड पे जो आपका राइट वाला एरो का ऑप्शन होता है ना, उसको जैसे मैं कीबोर्ड से राइट का एरो दबा रहा हूँ ना, तो ये एक एक फ्रेम आगे बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखें हमारी वीडियो कितने पे थी। हमारी वीडियो थी आई थिंक 24 फ्रेम्स पे ना, 23 फ्रेम्स पे। तो देखें यहाँ पे आपको शो हो रहा है 21। सर एक फ्रेम कैसे रिमूव करेंगे वो बताता हूँ आपको। अब वो रेजर टूल है जो इसको हम यूज करते हुए फिर रिमूव करेंगे। अभी सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि रिमूव कर सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि हम ना हमारी वीडियो जो है वो 23 फ्रेम्स पर थी। तो देखें 23 फ्रेम होने के बाद इसने एक सेकंड काउंट किया है, फिर 23 फ्रेम, फिर 2 सेकंड, इस तरह जो है ना इस काउंट कर रहा है। तो इतना ज्यादा जूम इन करना तो तभी मकसूद होगा जब आप चाहते हैं कि कोई एक फ्रेम रिमूव करें, तो उसको इस लेवल पे लेके जाके जब आपको पता लग जाए कि अब देखें ये फ्रेम पे बात आ गई है ना, वन बाय वन फ्रेम की बात हो रही है। इतना ज्यादा जूम मकसूद नहीं है, हम सिर्फ चाहते हैं कि थोड़ा सा हमें शो हो वीडियो के आपके पास थोड़ी सी जो एडिटिंग स्पेस है वो ज्यादा हो जाए। तो यहाँ से आप इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, इसकी हाइट को आपने चेंज करना है, ट्रैक की हाइट को चेंज करना है। आपको थोड़ा सा ना ये इशू इसमें आ रहा है, तो आप इस वाले ड्रॉअर को पकड़ के दोनों सर्कल में किसी को पकड़े, इसको छोटा करें, देखें वो इसका आप जो आपके पास जो है ना हाइट ट्रैक की वो ज्यादा हो गई है, आपको थोड़ा विजिबल इशू हो रहा है, और इसने आपको ना इसका थंबनेल भी शो हो रहा होगा स्टार्टिंग हेड। अच्छा, सिमिलरली आप चाहते हैं कि इस ऑडियो ट्रैक को आप थोड़ा सा हाइट इसकी ज्यादा कर दें, तो आप इसको इसकी हाइट भी ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज सिंपल वे। शॉर्टकट्स हैं कुछ, मैं आपको बता देता हूँ अगर आप यूज करना चाह रहे हैं। और शॉर्टकट्स अभी तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप, मैं वैसे बता देता हूँ। अच्छा, आप चाहते हैं कि ये तमाम आप काम ना करें, आप सिंपली क्या करें, ऑल्ट प्रेस करें, जो आपका जो कीबोर्ड पे ऑल्ट है उसको आप प्रेस करें, अपने स्क्रॉल व्हील को आप जो है वो घुमाएं, तो देखें ये जूम इन और जूम आउट हो रहा है। ऑल्ट ऑल्ट प्रेस, अपना स्क्रॉल व्हील। आप चाहते हैं कि हाइट चेंज करें इस ट्रैक की, ठीक है, ये जो V1 है इस ट्रैक की हाइट चेंज करना चाह रहे हैं, आप इस एरिया में आए, इस एरिया पे नहीं, ये वाला जो एरिया है इस पे आकर आप ऑल्ट प्रेस करके जब इसको स्क्रॉल को घुमाएंगे तो देखें उसकी हाइट चेंज हो रही है। ठीक है, दीज आर सम शॉर्टकट्स। कीबोर्ड पे भी जाके आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है वो मैंने वैसे कभी कभी कीबोर्ड को यूज नहीं किया। अच्छा हाँ, ऑल्ट प्लस, आप जो है वो जब प्लस के बटन को दबाएंगे ना, ऑल्ट प्लस प्लस का जो बटन है उसको दबा रहे हैं तो ये नीचे वाले फ्रेम को बढ़ा रहा है। ठीक है, माइनस कर रहे हैं तो ये कम कर रहा है। ठीक है, अगेन मैंने कभी कीबोर्ड को यूज नहीं किया, मैं माउस को यूज कर रहा होता हूँ, तो मुझे अभी उसका देखना पड़ेगा कि उसके शॉर्टकट्स क्या है, फिर मैं आपको बता दूंगा। अगर किसी को जरूरत है इन शॉर्टकट्स की तो मुझे बता दे, तो मैं आपको कल देख के बता दूंगा, अभी मुझे याद नहीं है। मैं माउस को यूज कर रहा होता हूँ मोस्ट ऑफनली, ऑल्ट प्लस स्क्रॉल व्हील। और अगेन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अगर लोग जो है वो एडिटिंग कर रहे हैं लैपटॉप पे, तो आप एक छोटा सा माउस खरीद लें, क्योंकि बहुत ज्यादा हेल्प होगी आपको माउस से। अगर आप ट्रैक पैड पे यूज करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज पेश आएगी, क्योंकि हम जब वीडियो को जूम इन करके उसमें एडिटिंग कर रहे होते हैं ना, जब हम एक एग्जांपल देखेंगे कि कैसे हम जो है वो सिंक करें म्यूजिक को सिनेमैटिक्स के साथ, तो आपको माउस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसमें आपके पास थोड़ी सी ना मूवमेंट करने की ऑप्शन ज्यादा होती है, तो आप माउस यूज करें।
ठीक है, वैसे भी रिकमेंडेड ये होता है कि आप लैपटॉप के साथ जो है वो अपना एक सेपरेट माउस रखें, अगर ट्रैक पैड को यूज करते करते फिर उस पर अक्सर आपके जो हमारे जो हाथ होते हैं वो साफ नहीं होते और फिर ट्रैक पैड पे वो जो निशान बन जाते हैं, ठीक है, तो माउस यूज किया करें वीडियो एडिटिंग में। तो मैं आपको बता दिया कि इसके जो शॉर्टकट्स हैं जूम इन जूम आउट के वो क्या है। अच्छा, अब बात करते हैं हम थंबनेल्स की। जैसे अभी मैंने ना इसको जब बड़ा किया था, आपको थंबनेल नजर आ रहा होगा ना, स्टार्टिंग थंबनेल। अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरी वीडियो के दौरान थंबनेल नजर आए, अगेन मैंने इसको अभी यूज नहीं किया, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आपको थंबनेल शो हो जैसे इस पूरे ट्रैक पे, तो आप क्या करेंगे, इस टाइमलाइन डिस्प्ले सेटिंग में जाके आपने ये मेक श्योर करना है कि यहाँ पे आपको शो वीडियो थंबनेल शो रहा हो। जैसे अगर मैं इसको अनचेक करता हूँ तो आपको वो जो थंबनेल नजर आ रहा था वो शो अप नहीं हो रहा। मेक श्योर करना है कि आपको ये शो हो, और फिर आप के जो ये जो सीक्वेंस बनाया है ना, इसके साथ जो थ्री डॉट्स है इस पे क्लिक करें। यहाँ पे आपको आ रहा होगा कहीं मेरे ख्याल से वीडियो हेड एंड टेल थंबनेल्स। अगर आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो सिर्फ स्टार्टिंग और एंड वाला थंबनेल नजर आएगा। अगर कॉन्टिन्यूस वीडियो थंबनेल्स की बात करें तो आपको पूरी जो आपकी टाइमलाइन है उस पे थंबनेल नजर आ रहे हैं, ठीक है। देखिए इसको आप, अगर आप जूम इन करते हैं तो आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन अगेन दिस इज टू मच टाइम टेकिंग प्रोसेस। अगर आपका जो सिस्टम है उसमें ग्राफिक कार्ड नहीं है, मेरे सिस्टम में तो ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, इस वजह से ये बड़ी इजीली आपको वीडियो जो है ना वो, जैसे मैं जूम इन कर रहा हूँ तो आपको शो हो रही है। अगर आपके सिस्टम में ग्राफिक कार्ड नहीं है तो ये चीजें आपको बड़े लैग देंगी, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। कि वैसे भी हम चाहते हैं कि हमारे रिसोर्सेज कम से कम यूज हो, और मुझे ऐसा इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं अगर चाहता हूँ कि इस फ्रेम पे वीडियो क्या है तो मैं इजिली इस कर्सर को यहाँ पे ला के अपने प्रोग्राम विंडो में इसको देख सकता हूँ, तो मुझे जो है वो इसकी ओपन करने की क्या जरूरत है। मैं इसको जो है वो बंद कर देता हूँ। अगेन ये जो चीज आपको बता रहा हूँ ना, इसमें हो सकता है कि आप काफी चीजें यूज ना करें, लेकिन फॉर द सेक ऑफ द नॉलेज कि आपको पता हो कि इससे हो क्या रहा है, तो इस तरह से मैं आपको चीजें बता रहा हूँ। मैं खुद भी इनमें बहुत सारी चीजें यूज नहीं करता, मैं शॉर्टकट यूज करता हूँ। अच्छा, मैंने आपको थंबनेल्स का ही बता दिया। एक चीज मैं आपको बताता हूँ चलें, कि आप चाह ये रहे हैं कि आपने एक वीडियो लेट सपोज एडिट कर ली है फॉर फॉर यूट्यूब। जैसे अभी ये वीडियो है ना, ये 16:9 की रेशियो में, 16 इसकी जो है वो विड्थ है और 9 इसकी हाइट है। आप चाह रहे हैं कि इस वीडियो को मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ लेट सपोज इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए, सेम वीडियो आप अपलोड करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप इसका सीक्वेंस चेंज कर देंगे। सीक्वेंस चेंज करना का तरीका क्या है, करने का तरीका वो ये है कि आप जाएंगे यहाँ पर सीक्वेंस की सेटिंग में, ये जो आपको ऊपर मेन्यू बार शो हो रही है, इसमें सीक्वेंस की सेटिंग में जाएंगे और आपको बड़ी इजीली यहाँ पे ये ऑप्शंस मिल जाएंगे कि ये देखें फ्रेम साइज इस वक्त 16:9 है ना। सिंपल आपने क्या करना है कि इस वाली वैल्यू को इधर ले आना है और इस वैल्यू को इधर ले आना है, तो ये इजीली आपका जो है वो चेंज हो जाएगा फ्रेम, सॉरी सीक्वेंस, सॉरी 1920। अच्छा, अब देखेंगे 9:16 हो गया। अब मैं इसको करता हूँ चेंज, ओके ओके किया। अब ये क्या क्या कह रहा है कि डिलीट ऑल पिक्चर्स फॉर दिस सीक्वेंस, चलें इसको आप अभी छोड़ें। अच्छा, अब हुआ क्या है कि उसने वो सीक्वेंस चेंज कर दिया। देखिए आपको ऊपर जो शो हो रहा है ना वो आप एक इंस्टाग्राम स्टोरी फॉर्म में आ गए, लेकिन अब आपकी जो वीडियो है ना, वीडियो वो आपको थोड़ी जूम इन दिखाई दे रही है, ठीक है। वो क्यों, क्योंकि जो वीडियो हमने इंपोर्ट की थी वो इस फॉर्मेट की नहीं थी। अगर इसको आप पूरी वीडियो देखना चाह रहे हैं तो आप इसको इजीली यहाँ से इसका जो साइज है वो छोटा बड़ा कर सकते हैं। इस टॉपिक को हम बाद में देखेंगे, मैं बार बार बता रहा हूँ कि इसको, इस पे पूरा एक लेक्चर है इफेक्ट कंट्रोल्स पे, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियर की आधी दुनिया छुपी हुई है, ठीक है। आप इसीलिए इसको यहाँ से जिसका जो है वो साइज छोटा कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि नहीं मुझे जूम इन वीडियो ही चाहिए, जैसे कि आपने देखा होगा अक्सर इंस्टाग्राम पे आजकल एड्स आ रहे होते हैं, उन्होंने ना वीडियो जूम इन की ही की होती है, उनको पूरी वीडियो शो हो रही होती है। जैसे आप देखें तो इस वक्त आपको एक इंस्टाग्राम फॉर्मेट में एक वीडियो शो हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी फॉर्मेट, कोई भी सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं। आप चाह रहे हैं कि आप स्क्वायर 1:1 के रेशियो में ले आए, इसको 1000:1000 कर दें, कोई भी आप इसमें सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि डिफरेंट फॉर्मेट्स के लिए सेम वीडियो को अपडेट करना चाह रहे हैं, अंडू कर दिया इसको, चेंजेस सीक्वेंसेस को शायद हम आगे भी देखें, तो इसमें टाइम में मैं नहीं लगा रहा इतना, आई थिंक टाइम भी हमारा हो चुका है। अच्छा, अगर आप लोग राजी हैं तो मैं क्या कंटिन्यू करूँ आगे, मैं दो टूल्स पढ़ा दूँ आपको, या भी हम
जो है वो इसको खत्म करें। ये मैं चाह रहा हूँ कि ये दो टूल्स आपको, अगर आप थक नहीं गए तो मैं आपको कुछ टूल्स बता देता हूँ, यानी कि ये वाला जो हमारा जो टॉपिक है वो खत्म हो गया है। अब हम आ रहे हैं इस टूल बार पे, कल कर लें। ओके ओके चलिए, आई थिंक सो, मेरे ख्याल से टाइम भी हो गया है काफी, और अगर आप चाह रहे हैं कि इसको हम एंड करें, चलें हम एंड कर लेते हैं इसको, टूल्स को फिर हम कल स्टार्ट कर लेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि, वैसे हमने टूल्स पे 2 दिन रखे थे, तो आज का दिन मैंने कुछ टूल्स को दिखा जो है वो कराना था, लेकिन हुआ ये है कि हमारे जो टाइम है वो इस पे काफ़ी ज़्यादा लग गया है, और मेरे ख्याल से लगना भी चाहिए क्योंकि ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, बाद में आपको इश्यूज जब आएंगे। अब स्टार्टिंग में जब मैंने शुरू किया था तो लाइक मैंने सिंपल जो है वो यूज़ किया ऑनलाइन चीज रिसोर्स को, तो मुझे ये चीज़ें नहीं पता थी, तो मुझे अक्सर जो है वो इशू आता था कि मैं अगर किसी स्पेसिफिक लेयर को लॉक करना चाह रहा हूँ या मैं उस पर काम करना चाहता था तो वो बाकी लेयर डिस्टर्ब हो जाती थी ना। तो ये चीज़ मैं इस पर जब टाइम लगा रहा हूँ तो उसका मतलब है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और कुछ चीज़ों को देखें मैं सिर्फ गुजार रहा हूँ, आपको मैंने ये इस ऑप्शन का बताया भी नहीं है क्योंकि इसकी यूजेज नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं आप लोगों के लिए। अब यहाँ पे देखें, एक ऑप्शन ये भी था, ये भी था, लेकिन आप इसको मैंने इग्नोर कर दिया क्योंकि इसका यूज इतना नहीं है। जहाँ पे इशू आएगा वो स्नैप वाला ऑप्शन था, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इन चीज़ों को हम देखेंगे जरूर, ये मैं नहीं कह रहा कि आपको बताऊंगा नहीं, फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज मैं बताऊंगा जरूर, लेकिन ये चीज़ें हम यूज़ नहीं करते इतनी ज़्यादा। ये वही लाइक जो टेक्स्ट बुक वे है वो वाला तरीका है इसको। आज का लेक्चर हम एंड करते हैं, किसी को क्वेश्चन हो तो बता दें मुझे। मुझसे किसी ने पूछा था कि क्या हम जो है वो साउंड को भी कर सकते हैं इस तरह के, स्टार्टिंग में जो है वो साउंड कम हो और फिर विद द टाइम वो बढ़े, तो इजीली उसके लिए जो है ना वो की फ्रेमिंग का कॉन्सेप्ट है, वो हम देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मैंने एक बात आपको यहाँ पे बतानी थी कि जो लोग इस कोर्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे ना, तो मैं उनको पर्सनली जो है वो समर में एक डिटेल्ड कोर्स दूंगा, और वो डिटेल्ड कोर्स इस तरह होगा कि वो लाइक हो सकता है कि वीकेंड्स पे सिर्फ हो, सिर्फ वीकेंड्स पे हम एक एक टॉपिक को देख रहे होंगे बड़ी डिटेल में, और उसके एंड पे जो है वो हम मैं जो है आपको गाइड टू सेल योर सर्विसेज ऑन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, तो वो भी एक सेशन में रखूंगा आप लोगों के साथ, लेकिन वो सिर्फ उन लोगों के लिए होगा जो इस कोर्स में मुझे इंटरेस्ट दिखाएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं जो है वो बोल रहा हूँ और बाकी लोग जो है वो सिर्फ सुन रहे हो, उनका इंटरेस्ट ना हो ना, तो मुझे पता लग जाएगा असाइनमेंट जो लोग कर रहे हैं और जो लोग सबमिट करा रहे हैं, मुझे वहां से शो हो रहा है कि जिन लोगों का इंटरेस्ट है और जिन लोगों को सिर्फ जो है वो फॉर द सेक ऑफ क्या कहते हैं उसे, बस एक फील्ड है और उन लोगों को एक्सप्लोर करना है तो वो चीज़ डिफरेंट है, लेकिन जो लोग सिंसियरली इसमें आगे एक्सेल करना चाह रहे हैं तो वो जो लोग होंगे ना उनको मैं फिर मैं जो है वो कोर्स ऑफर करूंगा। ठीक है, ड्राइव शेयर हुई है आपके साथ, मैं लिस्ट आज शेयर कर दूंगा जिन लोगों ने मेरे साथ ड्राइव शेयर किया, ठीक है, ग्रुप में। आज शायद असाइनमेंट मैं देखूंगा, अगर मुझे लगा कि असाइनमेंट देने की जरूरत है तो मैं दे दूंगा, नहीं तो फिर हम इसको इसी तरह ले जाएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होती है आपसे, और कल हम डायरेक्टली टूल्स की बात करेंगे, अगर किसी को क्वेश्चन ना हुआ तो हम फिर डायरेक्टली टूल्स पे जाएंगे, क्योंकि आज हमने टूल्स जो है वो दो मिस कर दिए, तो कल हम उसको कवर करने की जरूरत की तरफ जाएंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, फी अमान अल्लाह।